सेशन करने के बाद ही कोई अनाउंसमेंट करते हैं, तो हमने उत्तर प्रदेश का बजट, उत्तर प्रदेश की बिजली की प्रोडक्शन कैपेसिटी, उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं की संख्या, सब कुछ बहुत अच्छे से कैलकुलेट करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर 300 यूनिट बिजली हर एक घरेलू उपभोक्ता के लिए फ्री की जा सकती है। दूसरा, जितने बिजली के बिल हैं बकाया महंगे महंगे बिजली के कारण, वो माफ किए जा सकते हैं। और तीसरा, किसानों को बिजली फ्री दी जा सकती है, ये हो सकता है इसलिए कह रहे हैं। और चौथा, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है, ये भी हमने पूरा कैलकुलेट किया है। उसमें संसाधन लगेंगे, उसमें व्यवस्थाएं करनी हो, जैसे हमने दिल्ली में की, अब हमें रोड में पता है कि क्या करने की जरूरत है और हम यह कर सकते हैं। सर, जिस तरह से आप लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो क्या उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश में फ्री महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा या मोहल्ला क्लिनिक, इस तरह की भी योजनाएं यहां लाने का इरादा है अगर सरकार बनती है? जैसे जैसे जनता का समर्थन यहाँ मिल रहा है, वैसे वैसे हमारी और अपेक्षाएं यहाँ पे बढ़ रही हैं और जनता की भी अपेक्षाएं बढ़ रही हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बने तो ये चीज़ें जो दिल्ली में मिली वो मिलें। हम भी सारी चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, हमने पूरी स्टडी करके आज बिजली का ऐलान किया है। हम और फर्दर स्टडी कर रहे हैं सारी चीज़ों की और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी। पर आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी का जो मॉडल है कि आम आदमी को जीने की ज़रूरतें एहसान के रूप में नहीं मिलनी चाहिए, शिक्षा एहसान के रूप में नहीं है, स्वास्थ्य एहसान के रूप में नहीं है। 21वीं सदी में बिजली को आप एहसान नहीं मान सकते हैं कि आपके पास पैसा हो तो आप बिजली खरीदिए, नहीं तो मत करिए, अंधेरे में रहिए। आज हर घर में हम डिजिटल उसकी बात करते हैं, आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो डिजिटल इंडिया इसके बिना संभव ही नहीं है कि पहले आप अमीर हो या गरीब हो हर आदमी को बिजली उपलब्ध कराएं। अगर वो नहीं होगा तो आपका डिजिटल इंडिया फर्जी है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं तमाम, वो इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली एक छोटा राज्य है जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज्यादा है। दिल्ली मॉडल यूपी में लागू करना जो है वो एक बहुत बड़ी बात होगी आम आदमी पार्टी हो या किसी दूसरे दल के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको सरकार के रूप में चुना, अब आप उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी जनता के हिसाब से आप गवर्न नहीं कर पाते तो आपको छोड़ देना चाहिए। आपको मान लेना चाहिए कि आपको गवर्न करना नहीं आता, आप बड़ी आबादी को गवर्न नहीं कर सकते, आप छोटी आबादी के किसी प्रदेश में जाकर चुनाव लड़िए। बड़ी आबादी के लिए तो बड़े फैसले लेने पड़ेंगे और बड़ी आबादी आप अपेक्षा करती है कि आप उसके लिए कुछ करेंगे। आप ये नहीं कह सकते नहीं आप तो बड़ी आबादी हो, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते साहब। दूसरी बात, मैं आपके सामने, ये तो एक स्टेटमेंट है मेरा, दूसरा मैं आपके सामने पॉलिटिकल स्टेटमेंट, फैक्चुअल स्टेटमेंट रखता हूं। दिल्ली सरकार का बजट है जी 50,000-60,000 करोड़ रुपए होता है, है ना। हम दिल्ली में केवल 4% खर्च करते हैं पावर सेक्टर पर, उसके बावजूद हमने बिजली इतनी इंप्रूव कर दी कि 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री बिजली मिलती है। 73% से 83% लोगों के बिजली के बिल हर महीने जीरो आते हैं, केवल 4% बजट पे। अब आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख करोड़ का बजट है, दिल्ली छोटी जगह है वहां पे 50,000 करोड़ का बजट है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी जगह है तो यहां पे बजट भी बहुत बड़ा है। 5.5 लाख करोड़ के बजट में से उत्तर प्रदेश सरकार 7% बिजली पे खर्च करती है, 7% खर्च करके भी बिजली महंगी करती चली जा रही है और दूसरी बात 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रही है। तो आप 7% खर्च करके नहीं दे रहे, हम 4% खर्च करके दे पा रहे हैं, हमारे पास तो बिजली बनती भी नहीं है, हमको तो खरीदनी पड़ती है, उसके बावजूद हम दे पा रहे हैं, तो आप कर सकते हैं लेकिन आपकी नीयत नहीं है, इसलिए आप बहाने ढूंढते हैं। आप बिजली की, स्वास्थ्य की और तमाम दीगर मुद्दों की बात कर रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो चचा जान अब्बा जान पे रुका हुआ है। आके कोई भाई जान कह रहा है, कोई चचा जान, कोई अब्बा जान, तो इस पे पूरी राजनीति केंद्रित है। ये जो चक्रव्यूह है इसको कैसे तोड़ेंगे यूपी के अंदर? यूपी की जनता तोड़ेगी, यूपी की जनता की वोट में वो ताकत है और अब इस बार वो ताकत दिखेगी कि जब एक सही विकल्प सामने होता है तो ये चुनाव के वक्त अब्बा और चचा और भाई को याद करने वाले लोग किनारे लग जाते हैं। ये दिल्ली में लोगों ने करके दिखाया, हमारी ताकत थोड़ी है, ये दिल्ली के लोगों की ताकत है कि उन्होंने करके दिखा दिया और आज दिल्ली के 80% आबादी को फ्री बिजली मिल रही है, 100% आबादी को बढ़िया शिक्षा मिल रही है, अच्छी स्वास्थ्य मिल रहे हैं। ये दिल्ली के लोगों की वोट की ताकत है, उत्तर प्रदेश के लोगों की वोट में भी उतनी ही ताकत है। अभी विकल्प नहीं था, अभी चचा जान वाले विकल्प थे, अब्बा जान वाले विकल्प थे, भाई जान वाले विकल्प थे, आज लोगों के पास में बिजली वाले विकल्प हैं। आज लोगों के पास विकल्प है कि अपने वोट को हम 300 यूनिट की फ्री बिजली के लिए दे सकते हैं और आज देंगे। एक आखिरी सवाल ये था कि आपने अयोध्या से तिरंगा यात्रा निकाली,
यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो भाजपा के बड़े नेता हैं उन्होंने कहा कि जो लोग रोज़ा अफ्तार में मस्त रहते थे, रोज़ा अफ्तार कराते रहते थे, कम से कम उनको प्रभु श्री राम की याद तो आई। यहाँ पर अब अयोध्या लोगों को जाना शुरू हुआ है, तो ऐसे में ये भारतीय जनता पार्टी की मेहनतों का नतीजा है कि दूसरे दल के लोग अयोध्या पहुँच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सारी मेहनत इस बात पर की कि मुँह में राम और बगल में छुरी लेकर राजनीति कैसे की जाए। आम आदमी पार्टी की राजनीति ये है कि दिल में राम और बगल में संविधान। हम दिल में राम की बात करते हैं, मुंह में हमारे राम हैं और हमारे बगल में संविधान है। हम बाबा साहब के संविधान के सपनों को सच करने के लिए काम करते हैं, भगवान राम की प्रेरणा से और भगवान राम के दिखाए आदर्शों पर चलने की कोशिश करके उस पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बात तो राम की करती है लेकिन खड़ी अपराधियों के साथ। बिजली महंगी करती है, बात तो राम की करती है, अपने प्रदेश की जनता को 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रही। सर ये कल एक लिस्ट जारी हुई 100 लोगों की, आपके प्रत्याशियों की, संजय सिंह जी ने जारी किया लिस्ट, और उसमें बैकवर्डों का ज्यादा ध्यान रखा गया है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी तो जातिगत समीकरण साधने का काम कर रही है। नहीं, कहां कौन जीत सकता है ये पार्टी बिल्कुल देखेगी, पार्टी रिसर्च करेगी और उसके आधार पर जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देगी, क्योंकि जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और लेकिन जब हम सत्ता में काम करते हैं, जब हम बिजली महंगी करते हैं तो हर जाति और हर धर्म के, जब हम शिक्षा अच्छी करते हैं तो हर जाति और हर धर्म के, अस्पताल अच्छे बनवाते हैं तो हर जाति और हर धर्म के लोगों को अच्छे अस्पताल मिलेंगे, अच्छा इलाज मिलेगा, ये हमारा दावा है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे मनीष सिसोदिया जी को, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में काफी मेहनत कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। आज उन्होंने ऐलान कर दिया है इस बात का कि उत्तर प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, वो भी ऐलान 24 घंटे के अंदर सरकार बनने के कर दिया जाएगा। साथ ही साथ किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी खेती किसानी के लिए, वो चाहे जितनी बिजली यूज करें, और जिन लोगों का बिजली का बकाया बाकी है उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं उनके बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। कैमरामैन नूर के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।